आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश के आज के मुख्य समाचार पर। आपके लिए दिन का पहला समाचार ये रहा, भारत में लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, इस हफ्ते होगी बड़ी बैठक। तो समाचार, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से जल्दी मिलेगी राहत, सरकार ने बनाई जबरदस्त योजना। अभिनंदन वर्धमान को मिला वीर चक्र। समाचार, पाकिस्तान में तोड़ा गया मंदिर, हिंदुओं ने दिखाया बड़ा दिल, तोड़ने वाले धार्मिक नेताओं को भरा जुर्माना। अब चलिए आइए इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से सुन लेते हैं। समाचार, तमाम यूरोपियन देशों की तरह भारत में भी कोरोना की बूस्टर डोज देने की तैयारी चल रही है, इसको लेकर आगामी सप्ताह विशेषज्ञों की बड़ी बैठक भी हो सकती है। समाचार बता दें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से परेशान जनता के लिए राहत, बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर सरकार आम लोगों के हितों को देखते हुए पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने की योजना बना रही है। समाचार, अपना अदम्य शौर्य और साहस से पाकिस्तानी फौजियों को हैरत में डालने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला समाचार, पाकिस्तान में पिछले साल एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर उसमें तोड़फोड़ की गई थी, इसके बाद आरोपियों पर जुर्माना लगाते हुए 3 अरब की वसूली का आदेश दिया गया था, लेकिन अब ये जुर्माना भी हिंदू समुदाय ही भरेंगे। चलिए आइए एक और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिनभर की खबरों पर, यानी दिनभर के टॉप 10 हाइलाइट्स जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। आपके लिए दिन की पहली बड़ी खबर ये, उमा मुफ्ती को फिर किया नजरबंद, हैदरपोरा मुठभेड़ में मारे गए पीड़ितों के जा रही थी घर। दूसरी खबर, राष्ट्रपति ने शहीद अमन कुमार ठाकुर शौर्य चक्र से किया सम्मानित, शहीद अमन ठाकुर ने कुलगाम आतंकी मुठभेड़ में 2 आतंकी को किया था ढेर। अगली खबर, जीएमसी के 2 कॉपरेटर्स ने जीएमसी कार्यालयों के गेट को बंद कर किया प्रदर्शन, शहर बाहर में दुकानों की विरुद्ध हुई कार्रवाई को लेकर मेयर से मांगा इस्तीफा। खबर, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 40% स्टूडेंट्स के पास ही है पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन, 2018 के स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद हुई 86%। सैन्य समाचार, जैश के 4 आतंकी एयरफोर्स और सीआरपीएफ पर हमले की फिराक में है, सुरक्षा एजेंसी को किया गया अलर्ट। खबर बता दें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में शांति के लिए वार्ता करनी चाहिए, चीन से हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं, धमकियां देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सातवीं खबर, उधमपुर के सिर्फ डिपार्टमेंट में वारदात देखी गई, कर्मचारी का शव खून से लथपथ दफ्तर में मिला, पुलिस जाँच में जुटी और लोगों से पूछताछ की गई। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 24 नवंबर को जम्मू संभाग आएंगे और 25 हाईवे प्रोजेक्ट्स की रखेंगे नींव। निर्मला सीतारमन का जम्मू कश्मीर में दौरा, जम्मू कश्मीर में 165 करोड़ रुपीस की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब जम्मू कश्मीर से 10वीं और आखिरी खबर, हेलीकॉप्टर से तस्करी, दिल्ली से ले पहुंचाई गई शराब को एक्साइज डिपार्टमेंट ने पकड़ा और 270 लीटर शराब को नष्ट कर दिया। दर्शकों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, ये था आपके समक्ष जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें, यानी दिन भर के टॉप हाइलाइट्स जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ऐसे ही और भी बड़े अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियोस को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इन वीडियोस को जरूर आगे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अन्य लोग भी अपडेटेड रह सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।